भी लुभा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं लुभाते थे, लेकिन अब कोस्टल रेगुलेशन नियमों में आए बदलाव के चलते बिल्डरों की आस जग गई है। माहे में राज्य के तटवर्ती प्राधिकरण ने तट को खाड़ी में बदल दिया है, जिससे यहां निर्माण की संभावना साफ हो गई है। जाहिर है समंदर किनारे बनने वाले मकानों को लेकर मुंबई के रियल्टी मार्केट में हलचल मची हुई है। कई साल से मुंबई के समुद्री तट के किनारे कोई विकास नहीं हुआ है। कोस्टल रेगुलेशन जोन के नियम के तहत ज्वार यानी हाई टाइड की सीमा से 500 मीटर तक कोई निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन अब सूरत हाल बदल सकती है। राज्य तटवर्ती प्राधिकरण या MCZMA ने माहिम तट को बदल कर खाड़ी कर दिया है। इस फैसले से पूरे इलाके के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। इसे खाड़ी बनाकर समुद्र के किनारे जहां निर्माण हो सकता है वो फासला 400 मीटर घट गया है। इससे विकास की गुंजाइश दुगनी हो गई है। हपटाउन बिल्डर ने इस मौके का फायदा उठाते हुए प्रभा देवी की 5.3 एकड़ प्राइम जमीन को CRZ नियमों से आजाद करा लिया है। जानकार मानते हैं कि नए नियमों के तहत जो जमीन पहले औद्योगिक इस्तेमाल के लिए थी अब रिहायशी जमीन में तब्दील की जा सकेगी और पार्किंग जैसी सुविधाएं बनाकर बिल्डरों को ज्यादा FSI की छूट मिल जाएगी। हब टाउन की कामयाबी को देखकर दूसरे बिल्डर भी बोली लगा सकते हैं और ये बस शुरुआत है। तट से खाड़ी बनने का ये फैसला एक नजीर होगा, जिसे चौपाटी, कफ परेड, चर्च गेट और मलाड के दूसरे क्षेत्रों पर भी लागू किया जा सकता है। All the rules are meant to strangulate and extort. ये पूरी सोच ही गलत है जिसे बदलने की जरूरत है। मैं पर्यावरण समर्थक हूँ, लेकिन सारे नियम विकास का दम घोटने और पैसा ऐंठने के लिए हैं। Bad regulation and bad policy. जहाँ बिल्डर इस फैसले से बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि नियमों में और ढिलाई हो, वहीं शहर की प्लानिंग करने वाले और पर्यावरण से जुड़े लोग इसकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। खाड़ी में दिन में दो बार ज्वार भाटा या हाई और लो टाइड का असर होता है, इसलिए तकनीकी या पर्यावरण की नजर से ये फैसला एकदम गलत है। CRZ नोटिफिकेशन में ढिलाई से बिल्डरों को फायदा होगा। खास तौर से इस मामले में बिल्डर ने उस लूपहोल का पूरा फायदा उठाया है जो पर्यावरण और वन विभाग ने जानबूझकर उनके लिए बनाया है। बिल्डरों का कहना है कि इस कदम से ज्यादा जमीन मिलेगी, जिससे सस्ते घर बन सकेंगे, लेकिन आसार हैं कि समंदर के किनारे की प्राइम प्रॉपर्टी पर सस्ते नहीं महंगे मकान बनेंगे और समंदर के इन किनारों पर आम लोग सैर भी नहीं कर पाएंगे। समंदर के किनारे हाई एंड रिहायश के लिए होते हैं और उस जगह ऐसे ही मकान बनेंगे। Ability of development to be done for high-end residential around that shoreline area, for sure. शहर के प्लानर्स और कार्यकर्ता सरकार से इस नीति को बदलने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जमीन की कितनी ही कमी क्यों ना हो, पर्यावरण की कीमत पर विकास समझदारी नहीं है। मुंबई से निखिल शिवदास की रिपोर्ट, NDTV। तो जो ये फैसला लिया गया है वो मुंबई के कितने हक में है, ये जानने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रेमनाथ, जो की प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं प्रेमनाथ एंड एसोसिएट्स के, और साथ ही राजेश बी वर्धन हैं जो कि MD हैं वर्धमान ग्रुप के। आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए शुक्रिया। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं वर्धन जी, अब जाहिर तौर पर एक ऐसा इलाका आप लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए ओपन हो गया है जो पहले नहीं था, और मुंबई के बारे में कहते हैं कि काफी इलाका जो है वो खाड़ी ही कहलाता है, खाड़ी का इलाके में कैटेगराइज किया जा सकता है, और गोवा का भी और काफी कुछ कर्नाटका का भी। तो क्या आपको लगता है कि अब इसके बाद काफी स्कोप हो जाएगा मुंबई के रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए? आप देखेंगे तो पूरा मुंबई चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। CRZ जब एक्ट आया था 1991 में, तब एक सिंपल डेफिनेशन कर ली थी कि किसी भी एरिया से 500 मीटर एक CRZ की लाइन ड्रॉ कर दी गई थी। लेकिन CRZ एक्ट के अंदर ही प्रोविजन है कि जो बेज है, जो खाड़ी का एरिया है, वहां पे सिर्फ 100 मीटर तक ही आपको डेवलपमेंट के अंदर अवरोध है, उसके बाद का एरिया आप डेवलप कर सकते हो। एक क्लेरिफिकेशन जो आज आया है, ये ऑलरेडी एक्ट के अंदर है, लेकिन उस एरिया को आपने आंख बंद करके 500 मीटर के दायरे में उसको खींच के रखा था, तो ये कोई नया बदलाव नहीं आया है।
जो हक की लड़ाई थी डेवलपर्स की कि भाई ये 100 मीटर के अंदर ही डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, उसका क्लेरिफिकेशन बाकायदा जो बॉडी है जो चेन्नई में जिसका ऑफिस है उसने बाकायदा सर्वे करके इसको क्लासिफिकेशन को फिर से पुटअप किया है। प्रेमराज जी आपका क्या मानना है, जो पर्यावरण से जुड़े लोग हैं एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ये खिलवाड़ है, 500 मीटर की जगह 100 मीटर का ये दायरा काफ़ी नहीं है, खासकर एक ऐसे वक्त में जब हम ग्लोबली देख रहे हैं कि समंदर का जो लेवल है वो बढ़ रहा है और मुंबई जैसे शहरों में ये खतरनाक हो सकता है आने वाले दिनों में। नहीं ये गलत है, ये जो खाड़ी है, खाड़ी को बोलते हैं सेफ जगह बोलते हैं, जहाँ फिशरमैन फिशिंग कर सकते हैं, छोटी मोटी बोट चल सकते हैं, वहाँ समुद्र का खतरा नहीं होता है, उसको बे भी बोलते हैं और खाड़ी भी बोलते हैं। ये तो पहले भी था, 1991 में भी था, बाद में जब 2011 में इसको उन्होंने मॉडिफाई किया तो ये अथॉरिटी का फर्ज बनता था कि खुद ही इसको नोटिफाई करके सबको समझा दें, लेकिन लोगों का कहा कोई कुछ नहीं करते तो लोगों को कोर्ट में जाना पड़ता है। अभी कोर्ट से ऑर्डर मिला है तो सबको समझता है कि बराबर है। और अभी इसमें अभी बॉम्बे नगरी जो है, जहाँ जितने भी बड़े बड़े नगर बने, महानगर बने पूरे संसार में, नॉर्मली ज़मीन से समुद्र से काफ़ी ऊंचे होते हैं और सेफ होते हैं, आज तक कहीं पर प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी ये तो माहिम बे है, माहिम बे के अलावा अब दूसरा देखेंगे बैक बे इसको बोलते हैं मरीन ड्राइव। पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है और ये पूरी तरह से सेफ होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्या आप ये कह रहे हैं? कोई खतरा नहीं है। आपको एग्जाम्पल दूँ, आज से 100 साल पहले अंग्रेजों ने बनाया था मरीन ड्राइव, तो बोलते हैं बैक बे, तो खाली 50 फुट जगह छोड़ दिया उन्होंने, आज तक बना हुआ है, कोई खतरा कुछ नहीं हुआ। ये तो सारे संसार में सारे करते हैं, हमारा पूरा जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल में थाईलैंड आता है आपका, वहाँ पर पूरा आपका जो बर्मा आपका आता है, आपका जो इंडोनेशिया आता है, वहाँ पर भी 100 मीटर में करते हैं, कुछ नहीं हुआ आज तक वहाँ पर जी। तो ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो छोटे से जो बॉम्बे नगरी है जो पूरा बसा हुआ है, पूरा डेवलपमेंट हुआ है, जहाँ पूरी वॉल बनी हुई है, वहाँ खतरा हो जाएगा? अब ये सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसको 211 में पास किया 2011 में, और 3 साल तक सोते रह गए ये लोग, किसी को ध्यान में नहीं आया कि खतरा है कि खतरा नहीं है। ये तो कोर्ट में जाकर जब उन्होंने क्लेरिफिकेशन लिया बोल्डर लोगों ने, तब उनको लगता है ये खतरा है। वर्धन जी, यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल जो उठ रहा है वो ये भी है कि इस इलाके में, एक बे में या एक खाड़ी में, दिन में कम से कम 2 बार टाइडल एक्शन आता है और उसका इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए उनको क्रीक्स और एस्चुरीज के साथ में रखना शायद ठीक नहीं है। आप सही कह रहे हैं कि जो रूल्स आए थे उनमें पहले से ही कहा गया था, लेकिन वो उस पर ही सवाल उठा रहे हैं कि क्रीक्स और एस्चुरीज के साथ शायद उसे रखा ही नहीं जाना चाहिए, क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो ये समझना जरूरी है कि CRZ जो एक्ट आया उसके अंदर 4 क्लासिफिकेशन किए गए हैं, देयर इज नोन एज CRZ 1, जहाँ पे मैंग्रोव है, जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी डेवलपमेंट अलाउड नहीं है। फिर आ गया CRZ 2 एरिया, जो ऑलरेडी लैंडवर्ड साइड, जहाँ पे ऑलरेडी रोड बन गए हैं, उसके बाद में ऑलरेडी बिल्डिंगें हैं, एग्जिस्टिंग बिल्डिंगें हैं, और वो एरिया जो डेवलपेबल है, जो अगर 100 मीटर के बाहर है, तो वहाँ पे कोई 100 मीटर के बाहर कोई इतना फोर्स नहीं आने वाला है पानी का। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक और अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर आ सकते हैं कि चलो कल पानी का लेवल वर्ल्ड के अंदर बढ़ रहा है, तो क्या हम जो नई इमारतें बनाएं वो कोई और लेवल को ऊपर लेके बनाएं? जैसे मिनिमम जो रोड लेवल है उससे भी आप 2 फुट और ऊपर बनाइए, तो फ्यूचर में कितना भी पानी अगर शहर के अंदर भी आ जाएगा तो भी वो 2 फुट ऊपर, 3 फुट ऊपर उस प्रोजेक्ट में पानी नहीं आएगा। जो बे कॉन्सेप्ट है वहाँ पे वो फोर्स आ ही नहीं सकता है, इसके लिए उसको डिफरेंस किया है, और एक टेक्निकल लोगों ने किया है, किसी बिल्डर ने इसको नहीं किया है कि बे की डेफिनेशन हमने की है। इसके बाद में एक और मुद्दा आ जाता है कि देयर आर रिवर्स। अब जो रिवर है वहाँ पे भी आपने CRZ लगाया है कि कितना मीटर आपको वहाँ पे भी डेवलपमेंट नहीं करना है। रिवर के बाद में एक और कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे बैक वाटर भी अगर रिवर में आ रहा है, खाड़ी का पानी भी अगर रिवर से पीछे आ रहा है, तो कहाँ तक आ सकता है? तो वहाँ पे भी पहले 100 मीटर था, वो जिसको 50 मीटर पे टेक्निकल आधार पे क्लासिफाइड किया गया है। तो रिस्ट्रिक्शन हर जगह बाकायदा आज भी है और पहले भी थी, सेफ्टी हैज़ बीन कंसिडर्ड, जो डिपार्टमेंट है इसके बारे में उन्होंने बाकायदा ली गई है।
एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्डर भी आपके जी, साथ वर्धन जी, हम जो अभी बात कर रहे हैं माहिम बे की बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्लम रीडेवलपमेंट के लिए झुग्गी झोपड़ी के पुनर्विकास के लिए हरी झंडी दी गई है, लेकिन क्या इतनी प्राइम जमीन आपको लगता है कि झुग्गी झोपड़ी के पुनर्विकास के लिए ही इस्तेमाल होगी? लोग उम्मीद जता रहे हैं कि यहाँ पर काफी महंगे घर बनेंगे और उससे खूब मुनाफा कमाया जाएगा, स्लम रीडेवलपमेंट शायद कहीं पीछे ना छूट जाए, इस तरह की आशंका है। बिल्कुल सही बात है, इस पॉइंट के ऊपर कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑलरेडी झुग्गी झोपड़िया अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बाकायदा बीच के नज़दीक हो गया है कि सी फेस पे हो गया है, अगर वहीं पे डेवलपमेंट परमिशन दी जाएगी अंडर स्लम एक्ट, क्योंकि आपको वोट बैंक भी है, आपको वो स्लम लोगों को भी रिहेबिलेट करना है और आप वहाँ पर डेवलपमेंट की परमिशन दे रहे हो, लेकिन जहाँ पे ऑलरेडी जो चीज़ें 100 मीटर के बाद में है, जहाँ पे कोई तकलीफ नहीं आनी है एनवायरनमेंट के हिसाब से, वहाँ पे आप सब तरह की रिस्ट्रिक्शन ला रहे हो, तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट को भी कंसीडर करना। आपने जो ये मुद्दा उठाया है कि 100 मीटर के अंदर झुग्गी झोपड़ी आ रही है तो क्या हमें वहाँ पे देना चाहिए, अगर डायरेक्ट सी फ्रंट पे है तो वो उसको कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, उस बात के लिए मैं आपके साथ में सहमत कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुंबई को देखेंगे, 18,000 बिल्डिंग है आज पूरे मुंबई में डायलेपिडेट स्ट्रक्चर में है, जिसके अंदर से कम 7,000 बिल्डिंगें 500 मीटर के अंदर आ रही है, और वो बिल्डिंगें पहले से 5-5, 7-7 माले की बनी हुई है, लेकिन जो आज भी सीआरजेड 500 मीटर के कारण रुके हुए डेवलपमेंट, अब गवर्नमेंट ने उसको रीडेवलपमेंट के लिए परमिशन दी, तो क्या जो दूसरी बिल्डिंगें हैं जहाँ पे रीडेवलपमेंट हो रहा है पुरानी बिल्डिंगों के लिए, लेकिन जो दूसरी बिल्डिंगें हैं उनको आप सीआरजेड में रख रहे हो क्यों 500 मीटर में? ये 500 मीटर का लॉजिक बंबई के लिए मुझे डाइजेस्ट आज भी नहीं है। जैसे बे का 100 मीटर है, रोड अगर है और उसके बाद में अगर पानी आ ही नहीं सकता है तो पानी का लेवल कभी आ भी जाए ऊपर, तो आप बिल्डिंग की परमिशन को मत रोकिए, आप बिल्डिंग के लेवल को इंक्रीज करिए। प्रेमा जी आपसे यहाँ पूछना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि मुंबई के डेवलपमेंट में ओवरऑल जो उसका विकास होता है उसमें कई बार इस तरह के जो कानून है वो आड़े आ जाते हैं, चाहे वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना हो या फिर इस तरह से लैंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा है कि बॉम्बे नगरी में आप होते हैं कि जगह की कमी है, हमें जगह प्रॉपर ठीक तरह से उसका प्रयोग करना चाहिए। अगर हमने 500 मीटर का रखा हुआ है तो वो बहुत गलत है। मेरे ख्याल में पूरी बॉम्बे नगरी के लिए मैक्सिमम लिमिट 100 मीटर होनी चाहिए, क्योंकि बॉम्बे पूरा डेवलप नगर है ऑलरेडी, पहले से फुल डेवलप्ड है, रोड बने हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेफ्टी है, पूरा कम्प्लीटली सब ड्रेनेज सीवेज सब बना हुआ है, वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और बॉम्बे नगरी तो एक ऐसा है कि एक बंदरगाह जैसा नगर है, वहाँ पर पूरा बे में है या खाड़ी में है, एक सेफ्टी है, वहाँ पर कोई ओपन सी नहीं है, ओपन ओशन नहीं है जो जाके इसको डैमेज करेगा। आज तक 100-500 साल के अंदर कोई ऐसा कोई इतिहास में कोई नज़र नहीं आया है। ये छोटे छोटे 5-6 आइलैंड हुआ करते हैं जो इकट्ठे करके उन्होंने बनाया है अंग्रेजों के ज़माने के अंदर, और काफ़ी सेफ जगह बनी हुई है। ये खाली नाम से है कि पूरे इंडिया में लगा दो 500 मीटर, बाकी बड़े नगर भी आगे कोई ध्यान करें, जितने भी नगर हैं खाली बॉम्बे नहीं बाकी भी महानगरों में उनके उनकी पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से उनको कम 100 मीटर ज़्यादा नहीं डेवलपमेंट रुकावट नहीं होनी चाहिए। और इसे ऐसा करने से क्या होगा, उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट होगी, ज़्यादा ओपन प्लेस मिलेगी, ज़्यादा लाइट वेंटिलेशन मिलेगी, स्लम नहीं होंगे, सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा होगी उसकी, एनवायरमेंट मतलब सीएज एनवायरमेंट का मतलब यह है प्रोटेक्शन फ्रॉम द सी, ओपन सी, ना फॉर पोल्यूशन। पोल्यूशन के लिए दूसरे सेपरेट रूल बने हुए हैं, उसके हिसाब से मेरे ख्याल में ऐसा है कि ये 100 मीटर के अंदर करेंगे तो अच्छी खुल के डेवलपमेंट होगी, राजा की एकदम खाली बूची। प्रेमनाथ जी, ऐसा लग रहा है कि मुंबई में बहुत सारी जमीन अब एक शुरुआत हो गई है, बहुत सारी जमीन समंदर के किनारे रियल एस्टेट मार्केट में आ सकती है, दरवाजे ऐसा लग रहा है कि खुल गए हैं, और न सिर्फ मुंबई अंजलि, अन्य जो तटवर्ती शहर हैं, राज्य हैं, वहां पर भी ये मांग उठेगी। जी बिल्कुल, बे का क्लासिफिकेशन जो साफ कर दिया गया है अब सीआरजेड में, उससे बहुत सारे बिल्डर्स अब इसका फायदा उठा सकते हैं और कई ऐसी जमीन के टुकड़े होंगे जो अब डेवलपमेंट के लिए खुल जाएंगे। आप दोनों स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।